और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल रसोई में शनिवार रात तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। बड़ी संख्या में हथियारों से लैस होकर आए उपद्रवियों ने रसोई घर के ऑफिस सहित पूरी कैंटीन को तहस नहस कर दिया। इस घटना में दीनदयाल रसोई में काम करने वाले स्टाफ के 4 कर्मचारी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने रसोई स्टाफ की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के पड़ाव स्थित बस स्टैंड पर राज्य सरकार की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों के लिए यह रसोई बनाई गई है। नगर निगम के द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई में उस समय दहशत फैल गई जब भारी संख्या में हथियारों से लैस होकर हमलावर वहां पहुंच गए। हमलावरों ने रसोई घर के स्टाफ कर्मचारियों के साथ मारपीट और रसोई में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दीनदयाल रसोई में पहुंचे हमलावरों ने जमकर उत्पात मचाया, पूरी दीनदयाल रसोई को तहस नहस कर दिया और ऑफिस से लेकर कैंटीन तक सब कुछ तोड़ दिया। वहीं घटना का कारण रसोई घर के सामने खड़ी बस को हटाने को लेकर हुआ विवाद है, जिसके बाद बस ट्रैवल एजेंसी संचालक के कहने पर उनके स्टाफ ने रसोई घर में तोड़फोड़ कर दी। दीनदयाल रसोई घर के प्रत्यक्षदर्शी स्टाफ देशराज ने बताया कि बस संचालक स्टाफ ने लाठी डंडे सरिये बस की स्टेपनी निकालने वाली रॉड से हमला किया, जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। वहीं स्टाफ ने आरोप लगाया है कि तोड़फोड़ करने वाले हमलावरों ने दीनदयाल रसोई के सुपरवाइजर को भी बंधक बनाकर ले गए हैं। वहीं घटना की जानकारी के बाद पहुंची पड़ाव थाना पुलिस ने स्थिति को काबू में लिया, लेकिन इससे पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। बहुत झगड़ा हुआ था, संभल लेके वल्ली अली लेके सब मार रहे थे, लड़ी लाठी चाहे दिए, अंदर गेट लगा दिया था, गेट के अंदर भी घुस गए थे सब लोग, तोड़ के गेट को। अड्डू भटेले की बस का स्टाफ था पूरा, विवाद कुछ नहीं, गाड़ी निकाल रहे थे, गाड़ी निकालते समय आगे उन्होंने गाड़ी लगा दी, वो गाड़ी नहीं निकलेगी, और उन्होंने बैक करो पीछे को, मैंने पीछे बैक करते करते समय उसमें ड्राइवर पे और सुपरवाइजर पे हमला बोल दिया उन्होंने, कैंटीन की पूरे की दौड़ तोड़ फोड़ कर दी है। दीनदयाल कैंटीन है, दीनदयाल रसोई है, उसकी सबरी कैंटीन की पूरी की तोड़ फोड़ कर दी है, ऑफिस सब मिटा दी है, और सुपरवाइजरों का तीनों का सर फोड़ दिया है, और हलवाई का हाथ में लगी है चोट। यहाँ पर थाना पड़ाव क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास में एक स्थानीय बस खड़ी हुई थी, और बसेज जो दीनदयाल रसोई योजना का जो चलता है भोजनालय, इसके सामने बस खड़ी हुई थी। इस बात को लेकर वहाँ के कर्मचारियों में और बस के कर्मचारी विवाद हो गया, और वहाँ पर जाकर देखा गया तो वहाँ पर मारपीट दोनों पक्षों में हुई है, और मेडिकल के लिए दोनों पक्षों को भेजा गया है, और अभी जैसे ही फरियादी आते हैं तब उन पंजीबद्ध किया जाएगा।